नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सदेव। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी रीडिफाइंड पे। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई 48 मेगापिक्सल जो ये कैमरा बोल रहे हैं और जो कैमरा ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी इतना बड़ा बड़ा करके लिख रखा है इन्होंने 48 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा, क्या ये फेक है कैमरा? क्योंकि जो इसका मदरबोर्ड है स्नैपड्रैगन 660, वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता। जो इसका मदरबोर्ड है वो 48 मेगापिक्सल छोड़ो 22 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है। इन्होंने 48 मेगापिक्सल दे कैसे दिया? तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए सबसे जो इजी समझ आए मैं वही करूँगा, इसलिए मैं कोई डिजिटली नहीं समझाऊँगा आपको। ये रहे ग्राफ, बहुत ही आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में मैं समझा सकूँ उस आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा इन ग्राफ्स की मदद से, कि ये 48 मेगापिक्सल कैसे आता है। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जी हाँ, ये 48 मेगापिक्सल बिल्कुल ही फेक कैमरा है। तो ये है हमारे पिक्सल्स, हमारे पिक्सल्स कलर नहीं डिटेक्ट कर सकते, उसके लिए हमें एक छोटा सा फिल्टर लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है बेयर फिल्टर। सो बेयर फिल्टर जैसे ही हम लगाते हैं किसी भी हमारे सेंसर के ऊपर तो वो कलर डिटेक्ट कर सकता है। एंड उससे क्या होएगा, अभी हमारे सेंसर्स में अलग अलग पिक्सल्स हैं, अलग पिक्सल अलग कलर के लिए ही डिटेक्ट कर सकता है, लाइक रेड पिक्सल्स, ग्रीन पिक्सल्स एंड ब्लू पिक्सल्स। रेड पिक्सल्स यहाँ के लिए मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ, रेड पिक्सल 4 हैं, ब्लू पिक्सल भी 4 हैं, बट ग्रीन पिक्सल हमारे 8 हैं, क्योंकि हमारी आँखें जो हैं वो ग्रीन कलर के लिए बहुत ही कम सेंसिटिव होती हैं। अगर ग्रीन पिक्सल हम कम कर दें तो हम कलर डिस्प्ले हमें अच्छे से नहीं दिखेगी। एंड कुछ इस प्रकार से ही हमारे सारे कैमरे के पिक्सल्स, हमारा कैमरा सेंसर बना हुआ होता है, चाहे वो मेरा OnePlus हो, चाहे वो Redmi Note 7 हो, चाहे कोई भी हो। बट अभी क्या आता है, जैसे ही हम बात करते हैं Redmi Note 7 के प्रो मोड की, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा है, वो क्या करते हैं, बहुत ही एक स्मार्ट काम कर रखा है उन्होंने, एक और फिल्टर लगा रखा है सोनी ने। तो सोनी का आइसोसेल कैमरे ने एक, जो कि इसका कैमरा सेंसर यूज का होता है, उसने एक और फिल्टर लगा रखा है जिसकी मदद से वो छोटे छोटे पिक्सल्स को यूज करके कंबाइन कर देता है, एंड कंबाइन करने के बाद उसको हैज अ वन पिक्सल यूज करता है। लाइक अभी 4 रेड पिक्सल्स के उन्होंने एक पिक्सल यूज कर लिया, एक पिक्सल बना दिया। एंड सिमिलर तरीके से ग्रीन पिक्सल्स जो कि डबल क्वांटिटी में होते हैं, उनको भी यूज करके उन्होंने एक पिक्सल बना दिया। इससे हुआ क्या है, इससे बहुत ही एक स्मार्ट वर्क बोल सकते हो, एक बहुत ही एक इनोवेटिव चीज हुई है, जिसकी मदद से क्या हुआ, हमारे पिक्सल का साइज बड़ा हो गया है। जी हाँ, हमारे पिक्सल का साइज बड़ा हो गया है। लाइक हमारे ये 4 पिक्सल बन के एक पिक्सल बन रहा है, एंड ये 4 बन के एक पिक्सल बन रहा है, ठीक है। सिमिलर तरीके से ब्लू भी एक बन रहा है, ग्रीन भी एक बन रहा है, सारे अलग अलग बन रहे हैं। एंड इससे हुआ क्या है, हमारे पिक्सल की साइज 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। हमारा कहाँ के एक रेड का एक साइज था, एंड इसी तरीके से हमारा पिक्सल का साइज 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। वैसे हमारा एक पिक्सल का साइज हुआ करता था पहले 0.8 माइक्रोमीटर, तो 0.8 माइक्रोन मीटर से अभी माइक्रोन से क्या हुआ है, 2 पिक्सल्स कंबाइन हो गए हैं। अभी हमारी हमें आउटपुट मिल रही है उसकी 1.6 माइक्रोन्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइज है। एंड इसके कंपटीटर कोई भी हो, चाहे पोको हो, कोई भी हो, उससे ज़्यादा ये हमें बड़ा पिक्सल का साइज मिल रहा है, जिससे हमें लो लाइट इमेजिंग बहुत ही अच्छी यहाँ से मिलती है। इस क्लिप के बाद आपको एक लो लाइट का सैंपल भी देखने को मिलेगा। तो अभी हुआ क्या है, 4 पिक्सल मिलके हमें एक पिक्सल का काम कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा 48 मेगापिक्सल का कैमरा काम करता है। एंड 48 मेगापिक्सल का काम करने से क्या होता है, 4 पिक्सल जब मिलके एक हमें पिक्सल का काम कर रहे हैं, मतलब कि हमारी फोटो की क्वालिटी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इट मीन्स हुआ क्या है, अभी 4 पिक्सल बिड़के एक का काम कर रहे हैं, मतलब कि 12 into 4 का मतलब क्या होता है, 48 मेगापिक्सल, मतलब कि 4 फोटो जुड़ के हैं, 4 पिक्सल जुड़ के एक फोटो इन्वेंट कर रहे हैं, 4 फोटो जुड़ के एक फोटो 48 मेगापिक्सल ही निकल रही है। कैमरा इसका 12 ही मेगापिक्सल का है, बट इसके जो फिल्टर लगा रखा है उससे क्या हो गया है, हमारी 4 फोटोस एक फोटो बन रही है, मतलब कि हमें 12 मेगापिक्सल की ऐसे 4 फोटो जुड़ के एक फोटो बन रही है, जो कि हमारे 48 मेगापिक्सल की है। तो जैसे कि आपने देखा, सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको, 48 मेगापिक्सल नहीं है ये, सिमुलेटेड 48 मेगापिक्सल इसको बोल सकते हैं, बट 48 मेगापिक्सल की हमें पिक्चर देखने को मिलेगी। ये नहीं बोल रहा कि 48 मेगापिक्सल एक्चुअल मेगापिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, सेंसर की क्वालिटी, पिक्सल की क्वालिटी, अगर मैं इसको सिर्फ एप्पल के या पिक्सल 3 के कैमरे के साथ कंपेयर करूं तो उनके सामने नहीं स्टैंड कर पाएगा ये, बट लो लाइट इमेजिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग तो चल फेयर कंपैरिजन है भी नहीं है, कहाँ पे 60-60 है यार, कहाँ पे ये बेचारा 15 है यार का फोन। एंड बट सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छा हैक है ये।
हैक बोल सकते हैं इस चीज को, कि ये पिक्सल इन्होंने इकट्ठे करके एक बड़ा पिक्सल बना रखा है जिसकी मदद से आपको 4 गुना अच्छी पिक्चर मिलती है, 4 गुना बड़ी साइज की पिक्चर मिलती है अगर मैं सही वर्ड्स भी यूज करूँ तो आप सिंपल से एस्टिमेट लगा लिए, 4 पिक्सल को जोड़ के उन्होंने 1 पिक्सल कलर पिक्सल बना रखा है। इट मीन्स आपको सिंपल से भी क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है अपने दिमाग में, 12x8 मतलब 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, अब 12 मेगापिक्सल को 4 से गुना कर देना है, कितने आता है 48 मेगापिक्सल। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से हमें 48 मेगापिक्सल की फोटो मिलती है, मतलब कि उन्होंने 12x12 मेगापिक्सल की 4 फोटो को कंबाइन करके 1 फोटो निकाली है। ज़्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ मेरे को 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल के कैमरे में, बट हाँ थोड़ा यूम ज़्यादा हो जाता है एंड ज़्यादा कोई मेरे को फर्क नहीं महसूस हुआ, बट स्टिल 48 मेगापिक्सल है और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में ये अलग तरीके से काम आ सकता है। अगर आप वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो नॉर्मल 12 मेगापिक्सल से इसका थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आएगी, अगर आप पीसी में 12 मेगा इसको वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन में ठीक है, बट ये एक बिल्कुल ही आप बोल सकते हो स्टिम्युलेटेड 48 मेगापिक्सल है, रियलिटी में 48 मेगापिक्सल नहीं है, आपको फोटो जरूर मिलेगी 48 मेगापिक्सल की, साइज भी काफ़ी बड़ा होगा, बट रियलिटी में ये 48 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, दिमाग में रखिएगा ये बात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड अगर आपको किसी बात का बुरा लगा है कि ये 48 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, कंपनी ने डाल के भेजा है इसको, एंड स्टिम्युलेटेड 48 मेगापिक्सल कैमरा बोल सकते हो आप कि एक स्टिम्युलेट कर रहा है 48 मेगापिक्सल को, बट रियलिटी में 48 मेगापिक्सल नहीं है, है 12 मेगापिक्सल, बट इस हैक की मदद से ये 48 मेगापिक्सल की नकल कर रहा है। सो आज के लिए इतना गाइस, लव यू, सब्सक्राइब।